वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे। तुसी कितना हो? ठीक है ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो धूप बहुत है, गाड़ी में बैठते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। मामा से आई थी ती मिट्टी क्यों दे पोर्टा गरम। allora apri le finestre mamma la c'hai tutti। हे गाइस, सो आज है अपॉइंटमेंट डेंटिस्ट के पास, मेरे बेटे की जॉकिंग की अपॉइंटमेंट होती है, विली बैक की करना है ना। चलो मेरी भी ओरल हाइजीन की अपॉइंटमेंट ले ली जाए, तो देखते हैं। वैसे तो मेरे टीथ बिल्कुल परफेक्ट हैं पर कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि जब डॉक्टर के पास जाओ ना तो उन्होंने कोई ना कोई सप कड्डना ही होता है, जरूरी है ना। कुछ नहीं समझ लगी है ना, सप कड्डना कुछ नहीं समझ लगी, पर चलो जो भी है कुछ ना कुछ तो समझ लगी होनी। सप कड्डना होंदा की होया भला? सप कड्डना होंदा, सप की होंदा? दराला पूरा सरपेंटे असपेंटे। सो डेंटिस्ट के पास देखते रहिए वीडियो को। काफी दिन हो गए थे कि मैं आप लोगों के साथ सामने सामने बात करने नहीं आई थी, क्योंकि मोर देन टू वीक से मैंने, जैसे वो पूल की वीडियो जब से बनाई ना उसके बाद मैं रेसिपीज और वो जो विंडो की बिफोर आफ्टर मेकओवर था वो अपलोड किया और रेसिपीज अपलोड की। एक्चुअली आई वॉज लिटिल बिजी और हम उसके बाद वेकेशन पे भी चले गए। वेकेशन से याद आया है कि हमने बनाई है 1 वीक की 8 डेज की हॉलीडेज बीच पे, सो उसके व्लॉग्स भी जरूर आ रहे हैं अपकमिंग वीडियो में। आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ क्योंकि बहुत मजा होने वाला है। और अभी हम जाते हैं और देखते हैं डेंटिस्ट के पास कि वो वीडियो बनाने देगा कि नहीं। अगर उसने नई वीडियो बनाने दी ना तो मैं इस चिट चैट के साथ ही आपके साथ ये वीडियो खत्म कर दूंगी, क्योंकि अब जो मैंने इतनी सारी मेहनत कर ली ना इसको मैं डिलीट नहीं करने वाली। ठीक है, ओके लेट्स गो। यस यस। Dove stiamo andando? Al dentista. Al dentista. काफी विंडी डे, बहुत हवा चल रही, काफी विंडी है और हम डेंटिस्ट पे पहुंच गए। नो मरे वे नहीं खुआ प्रीमा, दोपो 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 quando finiamo la dentista poi andiamo। गाइस, जब मैं छोटी थी और अभी तक भी ना मुझे कोई भी एक भी कैविटी नहीं हुई है, तो इसके टीथ आई थिंक इसके पापा पे गए हैं, बाबू पे, क्योंकि उनके बहुत जल्दी 5-6 ईयर्स के थे वो भी जब उनके कैविटी हो गई थी, तो छोटे के भी वैसे ही हैं, मतलब एनरिके के भी, मेरे इतने नहीं हैं, काफ़ी अच्छी कंडीशन ही है टीथ्स की। तो अब देखते हैं इसका कैसे रहता है कैविटी का जो फीलिंग है। चाओ साल्वे। अच्छा ओके भैया, एक अच्छी sei pronto? Sì. Guarda tutte queste gigi che ti fanno ora. Ok. Amore, butta bacio alla mamma dopo. Dopo, ciao. Grazie. हे गाइस, देखा आपने, मैंने उसको छोड़ दिया है अंदर। मैं होल प्रोसीजर तो नहीं शूट कर सकती हूँ, बस उसको मैं बाय बोल के आई हूँ वहाँ पर बैठ के, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि डॉक्टर सेट किया से बच्चा भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है और उसको कोई डर नहीं लगता किसी बात का, क्योंकि वो 6 साल का है, 6 साल से बड़ा हो गया है, तो उसको Oh, oh, oh.
सकता है 40 मिनट्स भी लग सकते हैं। ये हम डेंटिस्ट के पास आए ना, तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि हो सकता है मेरी वीडियो को देखने के बाद अगर किसी का मन कर रहा है डेंटिस्ट के पास अपने बच्चों की टीथ का चेकअप करवाने का या खुद का चेकअप करवाने का भी, तो ज़रूर करवाएँ, क्योंकि ओवरऑल हाइजीन इज़ मस्ट। क्योंकि जो हमारा माउथ होता है उससे ही हम खाते हैं और उससे हर चीज़ अंदर जाती है, और अगर वहाँ पे कुछ कीटाणु है या कुछ कमी है या कुछ चीज़ इधर उधर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमारी सारी हेल्थ को मैटर करती है। समटाइम हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमें किसी खाने की चीज़ से प्रॉब्लम है या कुछ, क्योंकि हमें अच्छी नहीं कर रही है या बच्चे को भी ग्रो नहीं कर रही है या कुछ है, तो मे बी वो टीथ भी हो सकते हैं उसका वजह, जो कि हम कभी भी नहीं सोचते हैं। और ज़रूर देखिए उन बच्चों की, रात को सोते टाइम भी ज़रूर ब्रश करवाएं, क्योंकि वैसे मैं तो जॉकिन को रात को सोते टाइम भी ब्रश करवाती थी फिर भी कैविटी आ गई। तो समटाइम इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द टीथ, कि जो टीथ होता है ना उसकी क्या टाइप है, उसको जल्दी कैविटी आ सकती है या नहीं। तो आई सजेस्ट कि आप ज़रूर 5 to 6 ईयर के बच्चों का भी और खुद का भी जो ओरल हाइजीन है वो चेकअप ज़रूर करवाएं, और हेल्दी रहें और अपना ख्याल खुद रखें, एंड सेल्फ लव इज़ मस्ट। सो ही इज़ हियर, अभी वो रूम प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये मेरे साथ ही रूम में बैठेगा, यहाँ पे वेटिंग रूम में अकेला नहीं बैठ सकता, तो इसको 30 मिनट्स लगे हैं। 30 मिनट्स के बाद अब ये आ गया है, उन्होंने कहा है ये खाना नहीं खा सकता जब तक इसका एनेस्थीसिया के जो इंजेक्शन है उसका डोज है उसका असर ना चला जाए। तो मे बी अभी बजे हैं 3:40, 4:45 का टाइम है और ये डिनर कर सकता है, मतलब उससे पहले खाना नहीं खाएगा क्योंकि असर अभी है जो उसका ना डोज का। सो गाइज, आई एम डन विद ओरल हाइजीन एंड ही इज डन विद हिज कैविटी। तो अब देखिए, बताइए स्माइल अच्छी होगी, टीथ अच्छे हो गए तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, अच्छे से तरीके से साफ कर दिया उसने। मुझे तो थोड़ी सी ना, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ जो वो पानी होता है जो उन्होंने लगाया होता है एयर एंड वाटर फेस माउथ के अंदर, कि ताकि वो जो सारा सलाइवा वगैरह के लिए, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, पर चलो फिर भी करवाना तो होता ही है। तो मैं तो आई वॉज 3-4 times आई वॉज अबाउट टू वॉमिट, तो वो डॉक्टर भी कह रहा था कि इतनी सेंसिटिविटी क्यों है, लाइक पानी ही तो है, तो पर मुझे बहुत ज़्यादा होता है ऐसी सब चीज़ों से ना, पर चलो हो गया है। अच्छा जी, तो ये था मेरा डेंटिस्ट के पास जाने का एक छोटा सा व्लॉग, होप लोगों को आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद मैं बेटे के साथ थोड़ा बहुत और कामों के लिए भी जाऊंगी, ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी जाऊंगी, पर मैं वो वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। अब हम आ गए हैं पार्किंग में और मैं इस व्लॉग को, सारी लिपस्टिक वगैरह देखे मेरी उड़ गई अच्छा इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर लो। #Instagram, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर मुझे सब्सक्राइब करें तो बेल के साथ कीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छी अच्छी सी वीडियो देखने को मिले। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।